पटना हाई कोर्ट में मैं दिवाकर भाई जो मेरे वकील हैं उनके साथ मिलकर बिहार में बार बार पुल गिर जा रहा है उसके ऊपर जो है एक रिट फाइल किया हूँ, इसको रिट ही बोलते हैं ना, जी जी, और PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लगातार पुल गिर रहा है, छोटे ठेकेदारों पे कार्रवाई हो जा रहा है, बड़ा ठेकेदार जो बड़ा पुल गिरा दे रहा है उस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, सरकारें कभी कभी बदल भी जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार का हालात बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार का हालात बदलना चाहिए। अभी जो है कुछ दिन पहले सुपौल में एक पुल गिर गया, उसके बाद अभी अररिया में गिर गया, सुपौल के पहले जमुई में पुल गिरा, जमुई के पहले जो है अगवानी घाट पुल गिरा, उसके बाद से जो है पटना का एक लंबा गज में पुल गिरा, और लंबा सीरीज है। ये पुल का मैं बात कर रहा हूँ, पुलिया का बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिया भी लगातार गिर रहा है। और अपने लाइफ साइकिल को बिहार में बनने वाला 90% से ज्यादा पुल जो है ना, वो अपने लाइफ साइकिल को बिहार में जो बन रहा है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और जिससे जो है दिक्कत गरीब लोगों को हो रहा है। जो अभी अररिया में पुल गिरा है उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या हो गया है कि वो पुल जो है 2011 में बन रहा था, 11 करोड़ रुपया अलॉट किया गया, नहीं बन पाया, बंदरबाट हुआ, 2018 में बन रहा था, फिर 12 करोड़ अलॉट किया गया, फिर नहीं बन पाया, फिर बंदरबाट हुआ, फिर 2019 में अलॉट किया गया पैसा 8 करोड़ रुपया, जो 2020 में जून में कंप्लीट होना था वो भी नहीं कंप्लीट हो पाया, और 2024 में कोलैप्स कर गया। तो अब कोर्ट के निगरानी में जांच हो, और जांच हो पता चले कि आखिर बिहार में कौन ऐसा भूत आ गया है जो बार बार पुल को जो है गिरा दे रहा है। पता तो चलना चाहिए ना, मनीष कश्यप गलती करे तो जेल में ठूस देते हैं आप लोग, और जब ठेकेदार बिहार में पुल गिरा दे तो उसके ऊपर कौन सा कार्रवाई होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब कोर्ट संज्ञान लेगा, और कोर्ट संज्ञान लेके जो है पूरा डिटेल्स हम लोगों ने डाला है, कोर्ट संज्ञान लेगा, और जो ये ठेकेदार लोग बार बार बिहार में पुल कोलैप्स कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगा। और बहुत जल्द ये जो नाला जो है रोड से 3 फीट ऊपर बनाते हैं लोग ना, उन लोगों के ऊपर भी रिट फाइल करने वाला हूँ कि आखिर जो है ऐसा क्यों करते हैं। गांव में नाला बनना चाहिए रोड के लेवल से, रोड के नीचे या लेवल से बना देता है तो 3 फीट ऊपर, जिसके वजह से गांव का पनियों नहीं निकल पाता है, शहर का पनियों नहीं निकल पाता है। अब जब कोर्ट का मुंह आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे दिखाई दिया तो हमको डर किस बात का, अब रोज जो है आप लोगों के खिलाफ फाइल करेंगे रोज, और जब वकील हम लोग ये लोग हैं ही, पैसा तो लेते नहीं है हमसे, इनको बोल रहे हैं पैसा लीजिए, ये बोल रहे हैं कि फ्री में चलिए हम कोल्ड ड्रिंक्स आपको पिलाते हैं। तो ऐसे कुछ वकील भी हैं जो बिहार को सुधारना चाहते हैं, उनके साथ मिलके जो है हम लोग लगातार फाइल करेंगे। इसमें क्या क्या पॉइंट डाले हैं आप? इसमें कंप्लीट जो भी आपका डिमोलिशन से रिलेटेड है, एक सीरीज है डिमोलिशन का, वो सारा कुछ डाला गया है, क्या क्या गड़बड़ी हुई है वो सारा डाला गया है, किन किन कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा बनाया जा रहा था ये सारा कुछ डाला गया है, और साथ ही ये डाला गया कि कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कितना कुछ अलॉट किया गया था, और फिर कितने दिन बाद ये फंक्शनल होना था, चला कि नहीं चला, क्या स्थिति हुई, ये सारा कुछ इसमें डाला हुआ है। उम्मीद है ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये उम्मीद की जाती है कि एक अच्छा एक्शन लिया जाएगा और बाकी न्याय मिलेगी। चलिए उम्मीद है कि पूरे बिहार को न्याय मिलेगा, और न्याय मिलता है न्यायालय के द्वारा, जो है न्याय 100% मिलता है, उसका जीता जागता उदाहरण मनीष कश्यप है। वरना जो है इन नेताओं ने जो है मुझे जो है 4-5 साल के लिए जेल में डाला था, NSA लगा दिया था, और न्यायालय ने न्याय दिया, NSA भी मेरे ऊपर से हटा, और जो पटना में केस हुआ था जो UOU के द्वारा केस किया गया था उस केस में भी बाईजत बरी हुआ। अब जो है मैं अपना काम शुरू किया हूं, और उम्मीद है कि अब कोर्ट के लीगल चैनल से ही हम लोग जाएंगे ताकि लीगल एक्शन हो, और ताकि जो है कुछ सुधार भी हो। जय हिंद।